एवरीवन, आज हम लोग जा रहे हैं रोहिणसर ताल। तो कल रात हम लोग रुके थे सीमा, तो सीमा और रोहिणसर ताल के बीच में एक जगह आता है रेन बसेरा, लेकिन हम लोग रेन बसेरा में आज स्टे नहीं करेंगे, डायरेक्टली रोहिणसर ताल में ही जाएंगे, जाके रुकेंगे और कल हम लोग फिर वहां से जाएंगे क्यारकोटी बेस कैंप, जो ब्लैक पिक का बेस कैंप होता है। तो ये है कल तक शेड्यूल हम लोगों का, फिर उसके बाद हम लोग का रेस्ट डे है और उसके बाद लोट फेरी एंड हायर कैंप ऑक्यूपाई करते जाएंगे हम लोग। तो ऐसे ही हम लोगों का एक्सपीडिशन बढ़ता जाएगा। तो ये ब्लैक पिक एक्सपीडिशन 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय टेयानोवा एडवेंचर, जो हम लोग पहले फर्स्ट टाइम किया था 2019 में, तो ये हम लोग का सेकंड टाइम है। नहीं, फर्स्ट टाइम हम लोग 5600 से वापस आ गए थे ड्यू टू बैड वेदर, बहुत ही ख़राब वेदर था। तो जो आप लोगों ने जानते हो, हमारा पिछला वाला जो वीडियो है यूट्यूब में ब्लैक पिक का, तो उसमें हम लोग दिखाए हैं। तो उस बार टीम भी काफ़ी बड़ा था, इस बार टीम थोड़ा छोटा है, 6 लोगों का टीम है और सारे मेंबर्स ऑलमोस्ट अभी तक फिट है। हमारा एक मेंबर आगे जा रहा है, दिखाई दे रहा है। तो आगे जैसा जैसा इंफॉर्मेशन हम लोग देते जाएंगे। तो आज है 28 मई, वेदर काफ़ी अच्छा है, दो दिन हम लोग का बारिश का फोरकास्ट था लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। तो होप कि आगे में भी हम लोगों को अच्छा ही वेदर कंडीशन मिलेगा। तो ये है घना जंगल के बीचों बीच एक रास्ता, आप देख सकते हैं, और बाएं तरफ जो दिखाई दे रहा है ये है पूरा हरकीदून वैली। जो लोग हरकीदून ट्रैक करने के लिए आते हैं वो उसी रास्ते से जाते हैं। ये है द वैली ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं। तो उसके ठीक राइट साइड से हम लोग जा रहे हैं। ये रास्ते से बाली पास ट्रैक के लिए जो लोग आते हैं वो लोग भी इसी रास्ते से जाते हैं। और हमारे बाएं तरफ से सुपिन जा रहा है। तो अभी तक के लिए इतना सा, आगे हम लोग जैसे कैंप ऑक्यूपाई करते जाएंगे आप लोगों को डिटेल्स देते जाएंगे। थैंक यू।
तो ये हम लोग बेस कैंप अभी दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा वाला पत्थर दिखाई दे रहा है उसके थोड़ा ऊपर में ही है, लेफ्ट में हम लोगों का बेस कैंप। और ये है इस जगह का नज़ारा, व्यू, ऊपर में क्लाउड, नीचे में रिवर जा रहा है। और ये हम लोग पीछे से आ रहे हैं और हम लोगों का जो म्यूज और घोड़ा है सब ये नीचे से जाएगा क्योंकि ऊपर वाला रास्ता ख़राब है, तो ये लोग नीचे से, वो लोग बेस कैंप जाएगा और हम लोग ऊपर से जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है और अगर मौसम क्लियर होता तो इधर से धुंधार कांदी पास भी दिखाई देता। तो यही है वो धुंधार कांदी का रास्ता और ब्लैक पीक एक्सपीडिशन का भी। ब्लैक पीक का जो कैंप टू होता है वही होता है धुंधार कांदी का बेस कैंप, तो वो हम लोग बाद में दिखाएंगे वीडियो पे। तो अभी हम लोग बेस कैंप के तरफ जा रहे हैं, काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। अभी लगता है डेढ़ दो घंटे में हम लोग बेस कैंप रीच कर जाएंगे। बाकी मेंबर सारे पीछे हैं, हम चार मेंबर आगे अभी निकल गए हैं। हम लोगों के साथ हमारा शेरपा है आगे और मेरा ट्रैक लीडर और मैं हूँ। तो हम लोग अभी पहुँचने वाला है हम लोगों का बेस कैंप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज 29th ऑफ मई, हम लोग रुइनसरा ताल से ब्लैक पीक बेस कैंप जा रहे हैं। आज हम लोग जाके बेस कैंप एस्टेब्लिश करेंगे और कल हम लोगों का बेस कैंप में ही रेस्ट डे है। तो आज हम लोगों का लगभग 10 से 12 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है। मौसम थोड़ा सा ख़राब है, देख सकते हो मौसम थोड़ा सा ख़राब है। और ये आगे हम लोगों का सारे मेंबर एक करके जा रहे हैं, दूसरा भी एक टीम है हम लोगों के साथ ब्लैक पीक करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सारे मेंबर हम लोगों के साथ जा रहे हैं और ऊपर में देख सकते हो आप लोग ये मौसम काफ़ी ख़राब है लग रहा है। कल रात को भी स्नोफॉल हुआ होगा क्योंकि नीचे में हम लोग को बारिश मिला है कल पूरा रात भर। तो ये पीछे जो है, पीछे आपका आता है रुइनसरा ताल, उधर से हम लोग जा रहे हैं। तो देखते आगे मौसम कैसा मिलता है। हम लोगों के हाथ में बफर डे तो है दो तीन दिन, तो जैसा जैसा आगे हम लोगों को मौसम कैसा रहेगा उसके ऊपर हम लोग को शायद शेड्यूल चेंज करना पड़े। तो आज हम लोगों को थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा, 8 बजे सारे लोग निकल गए, काफ़ी सारे मेंबर्स हम लोगों का चला गया, बाकी क्रू मेंबर्स जो है वो हमारे पीछे आ रहे हैं सब लोडिंग करके। तो अभी जैसे हम लोग बेस कैंप पहुँचेंगे बाकी आपको उधर का व्यू सब कुछ दिखाएंगे। और ये है हमारा ट्रैक लीडर और मैनेजर विशाल, मेरे साथ ही जा रहे हैं। आगे हमारा शेरपा भाई है नीमा थेंडुप जी, जो कि 4-5 times लोथ से कर चुका है और 2 times एवरेस्ट कर चुका है, तो वो हमारे साथ है। ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है और प्लस पॉइंट भी है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और वो 2007 में माउंट शिवलिंग भी किया है। तो होप के वो हम लोगों का रूट पूरा ओपन कर पाएगा और हम लोग अच्छे से सबमिट कर पाएंगे अगर वेदर हम लोगों के साथ साथ दिया तो। तो इसी होप के साथ अभी के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे।
हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 30 तारीख है, ये सामने दिखाई दे रहा है ब्लैक पीक। आज मौसम एकदम क्लियर है, बढ़िया मौसम है और सामने से ये बंदरपुंज ग्लेशियर आ रहा है। हम लोग आज 3 लोग जा रहे हैं लोड फेरी करने के लिए, मैं, मेरा ट्रैक लीडर मैनेजर और हमारा जो शेरपा है, तो हम तीनों जा रहे हैं आज लोड फेरी करने के लिए कैंपोन तक। तो आज मौसम काफ़ी क्लियर है, आप देख सकते हो। कल तो बहुत ही ख़राब था, रात को स्नोफॉल भी हुआ था थोड़ा बहुत, तो आज एकदम मौसम क्लियर है। तो हम लोगों को ये सामने वाला जो रिज है, ये रिज हम लोग को क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं, आज 30 तारीख है, 30 मई। हम लोग लोड फेरी करके फिर बेस कैंप वापस आएंगे एंड देन कल सब मेंबर मिलके हम लोग फिर से लोड फेरी करेंगे कैंपोन तक। और 1 तारीख को हम लोग शायद कैंपोन शिफ्ट करेंगे और ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये अभी तक हम लोगों का प्लानिंग है, ऐसे ही चल रहा है, तो देखते हैं आगे कैसा क्या होता है। तो कैंपोन में पहुँच के बाकी आप लोगों को उधर का व्यू दिखाएंगे। अभी तक के लिए इतना सा। हम लोग अभी कैंप वन से लोड फेरी करके फिर बेस कैंप वापस जा रहे हैं। तो ये है रास्ता, ये पूरा रॉकफॉल जोन है, तो इसके बीचों बीच जा रहे हैं। और बाएं तरफ है ये बंदरपुंज ग्लेशियर, देख सकते हैं सामने दिखाई दे रहा है हम लोग का बेस कैंप। तो ये है ब्लैक पीक जाने का रास्ता, बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही रिस्की, बहुत ही एडवेंचर के साथ भरा हुआ। आप देख सकते हो जहाँ पे हम लोग पैर रख रहे हैं, तो पैर कैसे नीचे जा रहा है, पूरे मिट्टी मिट्टी है। तो उसी के ऊपर से हम लोग जाना पड़ रहा है, बहुत धीरे और बहुत ही सावधान के साथ। तो हम दोनों जा रहे हैं, बाकी पीछे हमारा शेरपा जी आ रहे हैं। तो ये है कैंप वन जाने का रास्ता। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 1 जून हम लोग ब्लैक पीक एक्सपेडिशन के कैंप वन पर पहुंच गए हैं। तो आज हम लोग कैंप वन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये है हम लोगों का कैंप वन। पिछले एक दिन हम लोग लोड फेरी करके गए हैं, तो उस दिन हम लोगों ने वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था और स्नोफॉल भी हो रहा था। तो आज मौसम काफ़ी क्लियर है, तो इधर पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है ब्लैक पीक। और कल हम लोग जब बेस कैंप में थे, तो रात को एक बहुत बड़ा एवलांच हुआ हमारे सामने। एक पीछे में हमारा एक पीक था, जिसका ऊपर में एक हैंगिंग ग्लेशियर का एक पार्ट पूरा नीचे आ गया, तो उसके वजह से थोड़ा 2-3 मेंबर थोड़ा नर्वस फील किया और वो लोग डिसीजन लिया के एक्सपीडिशन अबैंडन करेंगे और वो आज वापस गए। तो वो आज वापस सीमा के लिए चले गए और बाकी हम 4 लोग आज ऊपर कैंप वन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कल हम लोगों का प्लानिंग है, हम लोग कैंप वन से डायरेक्टली हम कैंप 2 में नहीं रुकेंगे, एकदम समिट कैंप जाएंगे। तो उधर से कल रात को ही हम लोग समिट मार्च करेंगे। तो ये हम लोग का अभी तक के लिए प्लान है। तो पीछे हम लोगों का ये जो एक मेम्बर है आ रहे हैं, पीछे हम लोग बेस कैंप छोड़ कर ही कैंप वन पहुँच गए हैं। मौसम काफ़ी क्लियर है, हमारा शेरपा दाई भी आ गया है, वो भी अभी किचन में खाना बना रहे हैं, देख सकते हो बहुत बढ़िया नज़ारा है, चारों तरफ टेंट किचन
टेंट हमारे साथ और दूसरा एक टीम भी है जो कि वो लोग भी, ये हमारा टेंट है जिसमें हम लोग रहेंगे और ये दूसरा टीम मेंबर का है। तो और सामने दिखाई दे रहा है हम लोगों का किचन टेंट, जहाँ पे हम लोगों का ट्रेक लीडर और शेरपा जी पहुँच गए हैं। तो वो लोग भी काफ़ी इंतज़ाम कर रहे हैं। आप देख सकते हो हम लोगों का किचन टेंट, ये है हम लोगों का शेरपा दाई सब हम लोग का तामझाम चल रहे हैं। तो ये फिलहाल हम लोग कैंप वन पे पहुँच गए हैं। बहुत बढ़िया नज़ारा है, ये हम लोगों का टेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड टेंट जो हम लोग लेके आए हैं, एक ही टेंट। तो अभी तक के लिए इतना सा, बाकी हम लोग ऊपर में जैसे जाएंगे उधर का नज़ारा दिखाएंगे। बाय। अभी हम लोग कैंप वन पे पहुंच गए हैं, रात का खाना बन रहा है हम लोगों का ब्यूटेन में, हमारा सिर पदाई हम लोग को खाना खिला रहे हैं खाना बना के। और ये खाने में रात के लिए डिनर में है हम लोग का पास्ता चावल, ये हमारा टेंट है। ये है हमारा हृदय भाई। Hello. और ये टेंट में हम चार लोग हैं। हम लोगों का भी डिनर बन रहा है, टाइम हो रहा है 8 बजे। तो कल हम लोग समिट कैंप के लिए निकलेंगे सुबह को, यही हम लोगों का प्लानिंग है। और अगर वेदर ठीक रहा तो हम लोग कल रात को ही समिट पुश करेंगे। तो अब तक के लिए हम लोगों का ऐसे प्लान है कुछ। चलिए हम लोग डिनर करते हैं, आप लोग भी कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ब्लैक पीक एक्सपेडिशन का 7वां दिन पे है और आज हम लोग जा रहे हैं कैंप वन से समिट कैंप, जो कि कल आप लोगों को बताया था। तो हम लोग निकल गए थे 8 बजे निकल गए थे, अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:15, 9:15। तो हम लोग काफ़ी 2-2.5 किलोमीटर आ गए हैं। आप रास्ता देख सकते हो कि पूरा बोल्डर ही बोल्डर जोन है इधर पे, तो स्नो का कोई नामो निशान नहीं। और इसमें हम लोग को स्नो बूट पहन के चलना पड़ रहा है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आप लोग जानते ही हो कि स्नो बूट पहन के बोल्डर पे चलना कितना डिफ़िकल्ट होता है। और किसी किसी जगह पे रास्ता इतना नैरो है कि चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग को आज काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इस बार हम लोग जब प्रेडिक्ट किया था कि हम लोगों को कैंप वन से स्नो मिलेगा क्योंकि इस बार काफ़ी स्नोफॉल हुआ था, लेकिन वो प्रेडिक्शन हम लोगों का गलत निकला क्योंकि जिस हिसाब से स्नोफॉल अभी हो रहा है उसी हिसाब से स्नो मेल्ट भी हो रहा है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि क्लाइमेट बहुत चेंज हो गया है और इतना ऊपर में धूप है, इतना पीक। तो हम लोग आज इधर से सीधा जाके इसके पीछे से जाके ऊपर में उस जगह पे कोशिश करेंगे हम लोग समिट कैंप लगाने की, ताकि नज़दीक हो हम लोग का समिट। तो हम लोग 4 मेंबर है अभी, तो हम लोग निकल पड़े हैं। तो बाकी आगे
अच्छे से पहुंचेंगे, उसके बाद आपको आगे का व्यू दिखाएंगे। अभी तक के लिए इतना सा, बाय, हैव अ नाइस डे। मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द सन ऑन द ब्लैक पीक। दिस इज द टॉप। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, देख सकते हो पूरा गोल्डन हो चुका है ब्लैक पीक। देख सकते हो बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, मौसम पूरा साफ है। उधर सामने स्वर्ग रानी दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर में भी फर्स्ट संडे आ रहा है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। देख सकते हो हम लोग करीबन 6000 मीटर के ऊपर ऊपर है। तो ये है माउंट ब्लैक पीक का व्यू, देख सकते हो। Meters accuracy. So this is the actual point, but we have no fixed rope, so now we submit here. We are very happy. This is my brother, come friend, man, submit and successfully did. And हम लोग चार टोटल मेंबर थे, तो दो मेंबर हारने रास्ते से वापस चले गए, लेकिन हम दोनों हार नहीं माने। तो मेरे साथ हिमाची थे, इसलिए मैंने हार नहीं माना। ही इज अ सिबलिंग समिटर एंड ही इज क्लाइम्ब 4 times माउंट लोत्से एंड 2 times एवरेस्ट क्लाइम। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड दिस समिट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट निमादाई। विदाउट हिज कोऑपरेशन वी can't this success, this summit. So we are very happy.